देखते हैं आज क्या बना है। आलू मेथी घर में बनी है, विच माई मदर इन लॉ कुक्ड। और अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं सामने नहीं आ रही, सिर्फ ब्लॉग पे ध्यान था। सहरी से अफ्तारी को बहुत टाइम टफ जा रहा था तो मैं सामने नहीं आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा टाइम ब्रेक मिला है तो मैंने कहा अपना चेहरा दिखा दो सामने। देखो मैं चेंज नहीं हुई हूँ, सेम वही हूँ। तो अभी सहरी के लिए अलार्म शुरू हो गया है, 10:30 बज चुके हैं कि जनाब उठ जाओ सारे यार, और मैं तो सोती नहीं हूँ। तो वही वापस दही बनाना है, लस्सी बनानी है, पराठा बनाना है, एग बना फ्राई एग बनाना है, इतना कुछ बनाना है। तो इसके लिए मुझे व्लॉग के साथ साथ सारा कुछ करना भी है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हियर्स द टास्क टुडे। सहरी से पहले सबसे पहले मैं ये करती हूँ, बेस्ट चांस है कहूँगा इशाल भी सो रही है और ये सब रायता जो है वो इशाल ने फैलाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको नीट करते हैं। ऑल द मिस ओफ, मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, और कुछ चीज़ें टूट गई हैं। और ये देखिए ये स्क्रब्स वगैरह, ये मैं इसका बाद में बताऊँगी, ठीक है ना। अभी मैं इन सबको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके मैं इसको क्लीन करने के बाद कुरान और तहज्जुद पढ़ेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों का भोजन निकालते हैं, ठीक है। ये मुझे बिलाल ने गिफ्ट किया था, दिखा देती हूँ, गिफ्ट दिखा देती हूँ, सॉरी। ओके ये खुद भी दे रहा, यू आर माई शिंसा। ये बिलाल ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे। ओके इसको बाद में, ये मेरी लेंस है जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं की है, 3 शेड में है कि अभी शो। ये देखें यार, ये देखें, ये मेरी लेंस है, ठीक है, जिसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है कि। और ये मेरी पाउडर वगैरह, ठीक है, पिंस वगैरह, लेंसेस। और ये है जो मैंने दराज से ऑर्डर की है, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी इसको यूज़ करके। ओके ये देखें शाइन्स, ये देखें बाकी उसने कुछ चीज़ें तोड़ भी दी हैं, देखें। This is neat. थोड़ी सी रोटी खराब बन गई, टेढ़ी मेरी बन गई है, बट इट्स ओके। मॉर्निंग गाइस, लिटरली आई हैव नो एनर्जी इन माय बॉडी, कसम से यार, दिल कर रहा बस सो ही रहूं, और पता नहीं आज पूरा दिन कैसे जाएगा। फिलहाल उठ के नमाज पढ़ी है और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी मेरे कसम से ज़रा भी इतनी 0% एनर्जी मेरी बॉडी में। और अभी तो अफ्तारी और रूम की क्लीन करवाना है, पता नहीं क्या होगा। चली गई, तो सबसे पहले मैं छोटे मोटे काम में इसको नीट कर लेती हूँ, क्योंकि ईद के बाद फ़ौरन भाटू बहन की शादी है। इससे पहले मुझे थोड़ा रूम को क्लीन कर लेना, ईद पे इतना टाइम नहीं मिलना, थोड़ी पैकिंग भी करनी है।
तो सबसे पहले कि ये टास्क है इसको मैं इससे पहले पूरा कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्स को साफ़ करने हैं, टॉवल वगैरह इनको साफ़ कर ले ताकि ईद पे ना करना पड़े। ये देखिए सुबह सुबह मेरे से हादसा हो गया, इसके बगैर तो मेरे से गाड़ी ड्राइव भी नहीं होनी है। और दूसरी बात ये काम भी, ये जो गाड़ी वॉश करने वाला है इसी ने तोड़ा, क्योंकि उससे पहले तो ठीक थी, इसकी तो खबर लेते हैं मेरी अच्छी वाली गाड़ी को तोड़ दिया है। गाइस सबसे पहले मैंने आलू भर बनाने, इसके लिए आलू को बॉईल करके इसको मैश कर लेते हैं। बस ये क्रीमी सैलड के लिए मैं मैक्रोनी को रेडी कर रही हूँ, बॉईल करके इसमें घी डाल दिया, फिर मैं क्रीमी मैक्रोनी का आपको बताती हूँ। So Bilal is outside with her friend enjoying a lot and I am watching Splitsvilla in my room and now I paused it because of Ishal ki dress change karni hai, so I decided pehle main iska dress change karti night suit pehna ke fir uske baad Splitsvilla continue karti hu। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग पे। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।